हाँ भाई, तो चलते हैं। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट की बात कर ली है। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? बाहर के स्ट्रक्चर के प्लांट को देख लिया है। मॉर्फोलॉजी टर्म मतलब ये होता है बाहर जो आंखों से दिख जाए। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर खत्म करते हैं। इसमें जो है इसमें भी सवाल नीट में आते हैं। तो क्या सवाल है? एनाटॉमी पहले क्या है ये जान जाइए। एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। बाहर की स्ट्रक्चर जो आंखों से दिख रहा था उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कह रहे थे। लेकिन उसी प्लांट बॉडी को या एनिमल बॉडी के जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसके स्टडी को, जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है उसके स्टडी को क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। हमें ये भी क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सेल है जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो आपस में मिलकर ग्रुप्स ऑफ सेल टिश्यू बनाती है और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर कोई भी ऑर्गन बनाता है। बहुत सारे टाइप के टिश्यू होते हैं जो बहुत टाइप के इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और कुछ का सिमिलर भी होता है। ठीक है, सिमिलर टाइप भी टिश्यू होते हैं, डिफरेंट टाइप भी टिश्यू होते हैं। तो इन सबकी स्टडी को बॉडी के अंदर एक टर्म देते हैं क्या? एनाटॉमी। तो यहाँ तक की बात क्लियर। तो एनाटॉमी को पहले जो है किसे कहते हैं ये बात तो जान गए हम लोग। और उसके साथ ही एनसीईआरटी की ये लाइन भी अंडरलाइन करेंगे कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट दे रहा है, एनिमल में भी एनाटॉमी ही कहते हैं। ठीक है, ये अभी प्लांट दे रहा है क्योंकि प्लांट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं टिश्यू की। यहां से शुरू होता है हमारा चैप्टर। टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू से पहले हम एक चार्ट देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि हमें टिश्यू में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, उस चार्ट को देखते हैं और उस चार्ट से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए चार्ट कुछ यूं है। इसमें बात करता है पहले क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। जब हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो पहले ये जान जाइए टिश्यू है क्या। 8 से 9 से 10 से 6 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि टिश्यू जो है ग्रुप्स ऑफ सेल, मतलब सेल्स का ग्रुप है टिश्यू। जो सेल्स ओरिजिन में भी सेम हो और यूजली फंक्शन भी सेम टाइप का शो करते हो उन्हें कहते हैं टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या करते हैं, ओरिजिन में भी सेम है, उत्पत्ति भी उनके एक ही जगह से हुई है और यूजुअली लगभग फंक्शन भी सेम टाइप का शो करते हैं वो कहलाते हैं टिश्यू। ठीक, ये डिफिनेशन प्लांट एनिमल दोनों के लिए। और अब प्लांट टिश्यू में हमें पढ़ना क्या क्या है? जो टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग उसमें दो टाइप की टिश्यू पढ़ेंगे। किसके? ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। किसके बेस पे? डिवीजन के। जहां डिवीजन होगा वहां बात करेंगे मेरी स्टेमेटिक टिश्यू, और जहां डिवीजन नहीं होगा जिस टिश्यू में उसे कहेंगे परमानेंट टिश्यू। क्लियर? क्या? जहां डिवीजन होगा, डिवीजन के बेस पे टिश्यू को दो टाइप में बांटा गया। जहां डिवीजन होगा वो हो गया मेरी स्टेमेटिक टिश्यू, और जहां डिवीजन नहीं होगा उसे कहेंगे परमानेंट टिश्यू। उसके बाद इस मेरी स्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग पढ़ेंगे इसके पोजिशन के बेस पे, मतलब कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है, और इसके बेस पे ये तीन टाइप में बांटे गए, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल और इंटरकैलरी। ये तीन टिश्यू हैं मेरी स्टोमेटिक टिश्यू के जो इनके पोजीशन के बेस पे कर रहे हैं। जो एपिकल पे होगा एपिकल, जो लेटरल साइड में होगा प्लांट बॉडी में वो लेटरल, और जो इंटरकैलरी मतलब नोड्स पे होगा उसे इंटरकैलरी मेरी स्टोमेटिक टिश्यू कहेंगे। उसी तरह जब परमानेंट में जाएंगे तो परमानेंट में भी हम दो टाइप का टिश्यू पढ़ेंगे, सिंपल टाइप का पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप का पढ़ेंगे। जब सिंपल टाइप का पढ़ेंगे तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे, और जब कॉम्प्लेक्स टाइप की बात करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम के बात करेंगे और उसकी डिटेल पढ़ेंगे। ये पूरा हमें टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में आते हैं। इतना जानने के बाद कैसे क्या पढ़ना है, हम आते हैं अपनी बुक पे। ठीक, ये मैंने दिखाया कि आपको चीजें समझ में रहे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को टिश्यू से। जब टिश्यू की बात करते हैं तो हमें पता है क्या? ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू जो एक कॉमन ओरिजिन से निकला होता है और जो यूजुअली परफॉर्मिंग एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हो गई टिश्यू की डिफिनेशन। ठीक है, उसी तरह जो प्लांट होता है वो मेड अप डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। हमें पता है भाई बहुत अलग अलग टिश्यूओं का मिलकर बना होता है, और इन टिश्यूओं को क्लासिफाइड करते हैं हम लोग दो पार्ट में। सही है भाई,
मेरिस्टमेटिक और परमानेंट, ठीक है, किस बेस पे, कैपेबल फॉर डिवाइडिंग और नॉट, मैंने उनमें डिवीजन हो रहा है कि नहीं, अगर डिवीजन हो रहा है तो मेरिस्टमेटिक पे दे देंगे अभी पढ़ के आए, और नहीं डिवीजन हो रहा है तो परमानेंट में कर लेंगे। यहां तक की बात भैया क्लियर है जी में। अब आइए पहला पढ़ते हैं जो डिवीजन का बेस पे हम लोग बात किए थे, मेरिस्टमिक टिश्यू। जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वो होता कहाँ है और उसके बेस पर उसको क्या क्या नाम दिया गया है और मेरिस्टम का मतलब क्या होता है, इन बातों को यहाँ जानते हैं। तो जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वो उन रीजन में होता है जहाँ एक्टिव सेल डिवीजन होता है, ठीक है, और उन रीजन को, उन रीजन में, उन रीजन को क्या कहते हैं, मेरिस्टम। मैंने मेरिस्टम का मतलब ही होता है डिवीजन, डिवाइड होना, ठीक है। मेरिस्टम का क्या मतलब होता है, डिवाइड होना, नाम से ही पता चल रहा है कि डिवीजन होगा। और मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहाँ पाई गई, उस रीजन में पाई गई जहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक। तो इस बात को भी हम लोग अंडरलाइन करते चलते हैं, कहाँ पाई गई, जहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, और मेरिस्टम मतलब ही डिवाइडेशन हुआ, ठीक है। अब प्लांट के पास जो है कई तरह के मेरिस्टम थे, उनके पोजीशन के आधार पे अभी हम लोग देखते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, मेरिस्टम जो होता है अगर टिप पे है, किसके, रूट के और शूट के, जहां डिवीजन हो रहा है और ये नीचे की तरफ भी बढ़ता है प्लांट, रूट की तरफ भी और शूट की तरफ भी, तो इनके टिप पे जो मेरिस्टम पाया जाता है उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मतलब टिप रीजन, ठीक है, एपिकल मतलब टिप रीजन पे, ठीक है। तो टिप रीजन पे हम जान गए क्या हो गया, जो मेरिस्टम शूट और रूट के टिप पे पाया गया उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, ठीक। यहां तक की बात क्लियर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एनसीईआरटी को आसान करके पढ़ते हैं ताकि चीजें कंफ्यूजन में ना रहें, आसानी से चीजें कंप्लीट हो। इस स्ट्रक्चर से पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक, थ्योरी क्लियर करेंगे, उसके बाद ये फिगर भी देखेंगे, फिगर एनसीईआरटी के किस पन्ने और कहां से क्या सवाल गिर जाए यह हम आप नहीं जानते, इसलिए किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो हम बात करते हैं किसकी, आगे की। जब आगे की बात करेंगे तो हम जान गए सूट और रूट पर क्या पाया गया, एपिकल मेरिस्टेम पाया गया। अब जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो तो टिप ऑफ रूट पर पाया गया, एपिकल नाम से ही पता है टिप पे पाया गया, टिप रीजन पर हम बता चुके। लेकिन जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या हुआ, वो कभी कभी जो है फैल के टिप से कहां, स्टेम एक्सिस रीजन में भी आ जाता है, और उसके बाद क्या है, ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है लीव्स और स्टेम के लंबाई में भी इन्वॉल्व होता है। तो सीधी सी बात है, देखिए यहां देखिए कि अगर शूट टिप पे मेरिस्टेम पाया जा रहा है और ये क्या कर रहा है, तो स्टेम टिप पे आ रहा है और जो है लंबाई बढ़ा रहा है स्टेम की, ठीक है, और फॉर्मेशन कर रहा है किसकी, लिप्स की, ठीक है, फॉर्मेशन हो रही है लिप्स की, तो ठीक। उसके बाद जो पार्ट छूट जाता है इस मेरिस्टम टिश्यू का, क्योंकि स्टेम तो लंबाई बढ़ गई, लिप भी निकल गई, अब वो आगे डिवीजन टिप पे मेरिस्टम है तो डिवीजन आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे भी कुछ मेरिस्टम टिश्यू छूट जाते हैं, जो एपिकल शूट के पीछे भी कुछ मेरिस्टम छूट जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जहां से निकलते हैं क्या, एक्जिलरी बड, ठीक है, और ये बड्स कहां प्रेजेंट होते हैं, एक्जाइल ऑफ लिप पे, और ये बनाते हैं फ्लावर और ब्रांच, ठीक। इस बात को समझे कि जब हम रीजन जो स्टेम पे एपिकल मेरिस्टेम है जब वो डिवीजन करने लगता है तो स्टेम लंबाई बढ़ जाती है, लिप्स भी निकल जाती है, उसके बाद वो आगे डिवीजन बढ़ जाता है, लेकिन उसकी कुछ टिश्यू छूट जाते हैं पीछे और वो क्या करते हैं, वो एक्जिलरी बड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये एक्जिलरी बड कहाँ पाया गया, एक्सिस ऑफ लिप्स पे, जहां से लिप्स निकली थी, और क्या वहां से निकाल रहा है, ब्रांच और फ्लावर, ठीक। तो क्या हुआ, इस बात को भी नोट करेंगे कि सेल लेफ्ट बिहाइंड शूट एपिकल मेरिस्टम जो छूट जाता है वो क्या होता है, एक्जिलरी बड, और सच बड आर प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होता है एक्जिलरी बड, एक्जाइल ऑफ लीव और कैपेबल फॉर फार्मिंग, क्या कैपेबल होती है फार्म के लिए, ब्रांच और फ्लावर, ठीक। ये हो गई एक्जिलरी बड की बात, एपिकल मेरिस्टम पढ़ लिए हम लोग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। इंटरकैलेरी मेरिस्टेम क्या है, वो मेरिस्टेम टिश्यू, वो मेरिस्टेम सेल जहां डिवीजन हो रहा है बिटवीन मैच्योर टिश्यू,
मतलब अभी हम पढ़ रहे थे क्या कि टिप पे पाया गया कौन सा एपिकल मेरिस्टेम, टिप पे पाया गया एपिकल, और एपिकल के नीचे क्या होगा डिवीजन के बाद ये सेल्स कैसी होंगी, मैच्योर हो जाएंगी, और ये एपिकल मेरिस्टेम शूट पे है तो मान लो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन इस मैच्योर रीजन के नीचे फिर अगर कोई मेरिस्टेम पाई जा रही है तो इसी मेरिस्टेम को कहते हैं क्या, इसी मेरिस्टेम को कहते हैं इंटर कैलरी। ठीक है, चीज क्लियर हुई? चीज क्या है, अगर डिवीजन हुआ मेरिस्टेम टिश्यू तो ऊपर चली गई, जो उसके नीचे की बच गई उसने एक जल्दी बट पर काम कर दिया, और उसके बाद जब वो ऊपर चल गई डिवीजन के बाद, तो डिवीजन के बाद जो भी सेल्स या स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो मैच्योर हो जाता है, उसमें डिवीजन नहीं होता है। उस पार्ट के बाद नीचे अगर कहीं मेरिस्टेम टिश्यू फिर पाया गया तो वो हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है ग्रास, घास। तो देखते होगे जब कोई जानवर घास को चबा जाता है, दूब कहते हैं उसको गांव में, चबा जाता है तो वो फिर से पनप जाता है। क्यों पनप जाता है, क्योंकि वो तो उसका एपिकल मेरिस्टेम खा जाता है, मैच्योर पार्ट भी खा जाता है, जो मैच्योर पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम के डिवीजन के बाद जो बना है उसके नीचे वो भी खा जाता है, लेकिन उसके नीचे जो मेरिस्टेम बच जाती है, जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, वो बची रहती है, वो फिर से प्राइमरी बॉडी बना देती है। मतलब अगर हम इस बात को कहें कि एपिकल मेरिस्टेम और ये इंटर कैलर मेरिस्टेम दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, क्योंकि ये प्राइमरी बॉडी को बनाती है। ठीक है, दोनों कैसी है, प्राइमरी मेरिस्टेम है क्योंकि ये प्राइमरी बॉडी को बनाती है। ठीक, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम से क्या हुआ, पहले पूछेगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाई जाती है, बिटवीन मैच्योर टिश्यू के बीच पाई जाती है। हमें पता चल गया है भाई मेरी इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ होती है, पता चल गया है कहाँ हो गई, घासों में हो गई, जो जानवर चबा जाते हैं उसके बाद भी जो ग्रो करके फिर से नया प्लांट बॉडी दे देती है। और दूसरा जो एपिकल मेरिस्टेम हम लोग पढ़ के आ रहे हैं और जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम पढ़ के आ रहे हैं, दोनों कैसा है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। और प्राइमरी मेरिस्टेम का टर्म का मतलब कि ये प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, अपीयरली प्लांट लाइफ शुरुआत में प्रेजेंट रहते हैं, और फॉर्मेशन क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी को। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। तो हम पढ़ लिए एपिकल और इंटर कैलरी, एपिकल टिप पे पढ़ लिए रूट और शूट के, वहां डिवीजन हो रहा है और वो क्या बना रहा है, शूट पार्ट बना रही है और रूट पार्ट बना रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ लिए कि जो शूट पार्ट बन रहा था उसके पीछे कुछ सेल छूट गई एपिकल मेरिस्टेम पे और वो एक्जिलरी बड्स से जुड़ गई, एक्जिलरी बड्स का काम हो गया उसमें, जिसने ब्रांच और फ्लावर बनाया। फिर जो है जो एपिकल मेरिस्टेम के बाद नीचे सेल आई बनी वो मैच्योर थी, और मैच्योर सेल के मैच्योर पार्ट के नीचे अगर मेरिस्टेम पाया गया तो वो हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेम। मेनली कहाँ पाया गया, नोड्स पे पाया गया। ठीक है, नोड्स पे पाया जाता है जहां से लिप्स निकली होती है ये। ठीक, नोड्स पे पाया जाता है। और ये क्या हो गया, एपिकल और इंटर कैलरी दोनों कैसी हो गई, प्राइमरी मेरिस्टेम हो गई। और जैसे घास में ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाई गई, उसके चरने के बाद भी वो फिर से प्राइमरी प्लांट बॉडी बना लेती है। यहाँ तक की बात खत्म भैया, अब आगे चलते हैं। मेरिस्टेम दैट ओकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ द मेनी प्लांट, सही है भाई, प्रोड्यूस वुडी, मतलब सीधी सी बात है वो मेरिस्टेम। तीसरा पढ़ते हैं लेटरल, अभी हम लोग देखे थे कि एक एपिकल होता है, एक इंटर कैलरी होता है, एक लेटरल होता है। जो लेटरल होता है वो प्लांट में कहाँ होगा, पोजीशन के बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। जो नोट पे था इंटर कैलरी था, जो एपिकल रीजन में था एपिकल मेरिस्टेम था, और जो लेटरल साइड में प्लांट के प्रेजेंट होगा, कहाँ, लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कहीं लेटरल साइड में प्लांट के प्रेजेंट होगा, ठीक, इधर साइड में, ठीक, वो हो गया लेटरल मेरिस्टेम। और ये क्या, कुछ वुडी पार्ट बनाता है, प्लांट में वुडी पार्ट बनाता है, इसे सेकेंडरी, नाम याद रखेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम को, क्योंकि ये सेकेंडरी टिश्यू प्लांट का बनाता है। सेकेंडरी टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग वैस्कुलर उस्कुलर में। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ठीक, लेटरल मेरिस्टेम लेटरल पार्ट में पाया गया, इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं,
ये ओडी पार्ट प्रोड्यूस करता है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम आगे पढ़ेंगे, कॉर्क कैम्बियम ये आगे पढ़ेंगे। जब आगे पढ़ेंगे इनको प्लांट में, तो इन सबों के पास कैसा होता है? लेटरल मेरिस्टेम होता है, और जो रिस्पांसिबल होता है कैसा? सेकेंडरी टिश्यू बनाने के लिए। तो प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन हो गया? लेटरल मेरिस्टेम। क्यों हो गया? क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी बॉडी बना रहे थे और सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा। कहाँ कहाँ पाया गया? फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम में, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम में और कॉर्क कैम्बियम में ये सेकेंडरी टिश्यू बनाता है। अभी हम लोग सेकेंडरी फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ अंडरलाइन करने लायक एक बात है, क्या? कि जो लेटरली प्रोड्यूस होता है उसको लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी, दूसरा नाम याद रखेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है भाई कि प्राइमरी मेरिस्टेम कौन है? एपिकल और इंटरकैलरी। सेकेंडरी कौन है? लेटरल। लेटरल कहाँ पाया गया? लेटरल साइड ऑफ प्लांट में पाया गया, जो ओडी स्ट्रक्चर ओडी एक्सिस प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक की बात क्लियर? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि किसमें पाया जाता है, ठीक, किसमें? फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम में। प्लांट के सारे पार्ट है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, सबके बारे में पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम में और कॉर्क कैम्बियम में ये लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है, ठीक, तीसरे टाइप का। और लेटरल मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम इसीलिए कहते हैं गुरु, क्योंकि ये सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करता है। ये सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ ये बातें याद रखेंगे। ये हो गई सेकेंडरी मेरिस्टेम की कहानी, ठीक है। उसी तरह अब बात करते हैं कुछ आगे, जब ये प्राइमरी या सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होते हैं। माने जो भी टिश्यू से ऑर्गन में स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो अपने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर इनसे फॉर्म होगा उसके पास एबिलिटी नहीं होगी डिवीजन की, क्योंकि डिवीजन के बाद ही ये परमानेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जिनमें एबिलिटी नहीं होगी डिवीजन की, और ऐसे स्ट्रक्चर को कहेंगे परमानेंट स्ट्रक्चर, या परमानेंट सेल, जो सेल बन रही हैं, या मैच्योर सेल, ठीक है, जो किससे? परमानेंट टिश्यू का नाम आएगा, ठीक है। मतलब जो इनसे बनी, किससे? प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम से। वो जो स्ट्रक्चर बना उसमें एबिलिटी नहीं है डिवीजन की, उसे क्या कर देंगे हम लोग? परमानेंट या मैच्योर सेल, ठीक है। और जब प्लांट की प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है तो स्पेशल रीजन पर एपिकल मेरिस्टेम और भी चीजें बनाता है। क्या क्या बनाता है? डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। कौन बनाता है? एपिकल मेरिस्टेम बनाता है। कब? जब वो बनाता है प्राइमरी प्लांट बॉडी। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक, ये भी थोड़ा आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक। ये पूरे मेरिस्टेम की कहानी है। मेरिस्टेम में क्या पढ़ा? तीन टिश्यू पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक। क्या क्या पढ़ा इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। यहाँ देखें, हमने टिश्यू पढ़ लिया, देखिए, चलिए देखिए, हमने टिश्यू पढ़ लिया, क्या होता है पता चल गया हमको। उसके बाद बेस्ड ऑन द डिवीजन, कहाँ कहाँ कैपेबल है, कौन कौन टिश्यू डिवीजन पे, उसके बेस पर टिश्यू को दो भागों में बांटा, मेरिस्टेम परमानेंट। अब मेरिस्टेम की कहानी हमने पढ़ी। मेरिस्टेम का है डिवीजन, जहां डिवीजन होगा जिस रीजन में, वहां क्या पाया गया? मेरिस्टेम पाया गया। और मेरिस्टेम अगर एपिकल सूट और रूट के एपिकल पर पाया गया तो उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया सूट और रूट के अगर एपिकल पर पाया गया तो उसको कहा गया एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी देता है, सूट और रूट को बढ़ाता है। लेकिन उसमें से कुछ सेल लेफ्ट हो जाती हैं, जिसे क्या कहा गया? लेफ्ट होकर पीछे छूट जाती हैं, जो फ्लावर और ब्रांच बनाती हैं, उसे यहीं एक्जिलरी बड कहा गया। यहां तक की कहानी ठीक थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जब इंटर कैलरी मेरिस्टेम की बात की है तो हम लोगों ने देखा ये कहाँ पाई गई? मुख्यतः नोड्स पे पाई गई, जहां से लिप्स निकल रही थी, इंटर कैलरी, ठीक है। मतलब मैच्योर मेरिस्टेम के नीचे पाई गई, मैच्योर मेरिस्टेम के क्या पाई गई? कहीं नीचे पाई गई, ठीक है, और ऊपर एपिकल वाला होता ही है, ठीक। और किस में पाई गई?
इसमें देखे ग्रास में, इसीलिए वो चरने के बाद भी जानवर के ये फिर से नई प्लांट बॉडी इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम के भरोसे बना लेता है। उसी तरह लेटरल हम लोग पढ़ लिए कि क्या हो गया, ये भैया लेटरल साइड में प्लांट के पाया जाता है, मतलब कुछ है यहाँ लेटरल साइड में, और क्या करता है ये पाया जाता है मेनली सिलेंड्रिकल टाइप मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहलाता है लेटरल। और क्यों कहलाता है, क्योंकि ये सेकेंडरी टिश्यू देता है प्लांट में, और ये पाया जाता है किसमें, इंट्रा फैसी वेसिकुलर में, कोर कैम्बियम में, वैसी वेस्कुलर में, इन सब जगहों पर पाया जाता है। ये पूरा चार्ट हम लोग देख लिए, और इनके डिवीजन के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो स्पेशलाइज होता है, और उसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, मतलब वो परमानेंट होता है। ये पढ़ लिए हम लोग मेरिस्टेम की पूरी कहानी। यहाँ से कोई भी सवाल आएगा कर ले जाओगे भाई, कर ले जाओगे। अब बात करेंगे हम लोग परमानेंट पे। अब बात कहाँ करेंगे हम लोग, परमानेंट की, ठीक है। परमानेंट में आज पढ़ेंगे सिंपल, आज पढ़ेंगे क्या, सिंपल के बारे में। क्या है परमानेंट और क्या है सिंपल सब देखते चलते हैं, उसको भी आसानी से समझ लेंगे। एनसीईआरटी को जो है इजी फॉर्म में करना है, इजी फॉर्म में ज्यादातर तक चीजें याद रखती हैं अपनी भाषा में, कोई भी भाषा हो बस भाषा आसान होनी चाहिए। भाषा आसान हो गई, चीजें ज्यादा समय तक याद रखेंगे, और जितने ज्यादा समय तक याद रहेगी उतना ज्यादा फायदेमंद होगी। तो बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हम पढ़ के आ रहे हैं वो टिश्यू जहाँ डिवीजन का सवाल नहीं होता, डिवीजन तो मेरे स्टेम में है। तो परमानेंट टिश्यू क्या हो गया, जहाँ डिवीजन की कोई बात नहीं होती, ठीक है। ये टिश्यू जो है इनमें जो दो टाइप के हो गए टिश्यू, या तो सारे सेल्स टिश्यू के सिमिलर हो फंक्शन में भी और स्ट्रक्चर में भी, मतलब एक तरह के दिखते भी हो एक तरह का काम भी करते हो, उनको कहते हैं सिंपल टिश्यू। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है टिश्यू, अलग अलग फंक्शन हो, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर हो, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कितने दो भागों में बटा है, कौन कौन है भैया, एक है सिंपल एक है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर टिश्यू बहुत सारे टाइप के सेल से बना है, और सिंपल क्या है, एक ही टाइप के स्ट्रक्चर और फंक्शन में सारे सेल हो, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर, ठीक। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जहाँ डिवीजन भैया नहीं होता है, नो डिवीजन, सब पढ़ के आ रहे हैं हम लोग नो डिवीजन, ठीक है। इसी के बेस पर मेरिस्टेम और परमानेंट बांटा गया था। तो इतनी कहानी परमानेंट की, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, सिंपल टिश्यू क्या है इसके बाद में देखते हैं। जो सिंपल टिश्यू है वो हम ये जान गए कि एक टाइप की सेल की मिलके बनी है, ठीक है। और इसे तीन तीन टाइप में सिंपल टिश्यू होती है, कौन कौन, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। अब इसके बाद शुरू करते हैं पेरेन्काइमा के बारे में, कितने टाइप की हुई पेरेन्काइमा की, हम चार्ट में भी देखेंगे जाके, फिर कितने टाइप की हुई पेरेन्काइमा है। तो पहले बात करते हैं पेरेन्काइमा की। जब पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया बात, मेजर कॉम्पोनेंट प्लांट का जो है, जो ऑर्गन होते हैं उसमें मेजर जो कॉम्पोनेंट होता है, मतलब टिश्यू होता है, वो सिंपल टाइप का जो होता है पेरेन्काइमा ही होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, आइसो आइडोमेट्रिक होते हैं। आइसो डायमेट्रिक मतलब एक तरह के आकार के होते हैं, एक तरह का उनका रेडियस व्यास होता है, एक साइज के होते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। इस आइडो जो आइसो डायमेट्रिक है इसको अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद ये शेप कैसे होते हैं, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड शेप में हो सकते हैं। कैसे कैसे, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड होते हैं। लगभग तीनों टिश्यू पढ़ेंगे, तीनों में शेप निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें अंडरलाइन सिर्फ आइसो डायमेट्रिक करेंगे, ठीक है। एक समान एक टाइप के सेल होते हैं। आगे चलते हैं, देयर वॉल आर थिन एंड मेड ऑफ सेलुलोज। पेरेन्काइमा की वॉल कैसी होती है, अंडरलाइन करेंगे, पतली होती है। पेरेन्काइमा भी फिगर में देखेंगे, वॉल कैसी होती है, पतली होती है, और किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। उसी तरह या तो ये क्लोज पैक होते हैं, जहां भी ये सेल्स नंबर में होंगे सिंपल टिश्यू में क्लोज पैक होंगे, या तो फिर इनके बीच स्पेस पाया जाएगा जिसे कहेंगे इंट्रा सेलुलर स्पेस, मैंने दो सेल्स के बीच में स्पेस पाया जाएगा। और ये जो पेरेन्काइमा है सिंपल टाइप टिश्यू, वो बहुत टाइप के फंक्शन शो करेगी। जो पेरेन्काइमा ग्रीनिश होती है तो फोटोसिंथेसिस करेगी, स्टोरेज का भी काम करती है पेरेन्काइमा, फूड स्टोरेज का भी काम करती है, और कुछ रिजर्व मटेरियल भी जो है स्टोर करती है, और सिक्रेशन का भी काम करती है
पेरेन्काइमा, तो ये इसके काम याद रखेंगे क्या, कि पेरेन्काइमा जो है फोटोसिंथेसिस और स्टेरॉइड और फंक्शन का भी काम करती है। ठीक, अब इसको हम फिगर में देख लेंगे और आसान कर लेंगे क्या। चलिए आइए फिगर पर आइए, फिगर पर देख लेंगे चीजें और आसान हो जाती हैं। ठीक, चलिए पढ़ना एक एक लाइन एक एक फिगर एनसीईआरटी से भाई। क्या है देखिए, ये पेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू है। ठीक, इसमें क्या है कहीं कहीं सेल्स जो हैं पैक्ड हैं एकदम, उनके बीच कोई इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं है, नो इंटर सेलुलर दो सेलों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, और कहीं कहीं हम पढ़ेंगे कि इनके बीच इंटर सेलुलर स्पेस होता है। ये कैसी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, सब पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, मतलब एक टाइप के रेडियस की सारी सेल्स होंगी पेरेन्काइमा में। ये कैसी होती हैं, ग्रीन हो रही है ना, तो ग्रीन होते ही कोई भी चीज क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। और इनका काम क्या है, इनका काम है स्टोरेज का, क्या काम है स्टोरेज का, और क्या काम है इनका, काम है सिक्रेशन का। ठीक है, सिक्रेशन का काम याद रखेंगे, आइसो डायमेट्रिक होती है जिसमें शेप में क्या हो सकता है, ओवल राउंड, ठीक है, ओवल राउंड फिर क्या इलोंगेटेड, ठीक है, इस टाइप की सेल पाई जाती है पेरेन्काइमा में। इंटर सेलुलर स्पेस होते हैं नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस स्टेरॉइड सिक्रेशन काम है। ठीक है, ये बातें हम लोग पढ़ लिए पेरेन्काइमा की, स्ट्रक्चर भी देख लिए, स्ट्रक्चर में चीजें आसान लगने लगी। अब आगे बढ़ते हैं किस पे, अगले सिंपल टाइप पे, सिंपल टिश्यू के टाइप पे बढ़ते हैं, वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है, ये जो है ईपीडर्मिस के नीचे पाया जाता है। ठीक है, और ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, डाइकोटिलेडन प्लांट में, जिसके पास दो कोटिलेडन है उनमें क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा ईपीडर्मिस के नीचे। ठीक है, या तो ये पूरा फैला होगा, कोलेनकाइमा पूरा फैला होगा, या तो पैचेज पॉकेट, मतलब छोटे छोटे पार्ट का पैकेज, समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे पार्ट का, कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट का जो है, या तो पूरा फैला होगा ईपीडर्मिस के नीचे, या तो इस तरह छोटे छोटे पैकेट में पैचेज में फैला होगा। ठीक है, ये मोटा होता है। ठीक, क्यों मोटा होता है, क्योंकि इसका कॉर्नर जो है डिपोजिशन होता है उसपे सेलुलोज का, कैसा होता है, मोटा होता है एट द कॉर्नर। इसका ये लाइन याद रखना है हमें कि कोलेनकाइमा जो है कॉर्नर पर मोटा होता है, इसकी पहचान है, क्योंकि इसके कॉर्नर पर डिपोजिशन होता है सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का और पेक्टिन का, ये याद रखना है हमें लाइन। कोलेनकाइमा से सवाल आएगा तो इपीडर्मिस के नीचे पाया जाता है, बिलो द इपीडर्मिस मेनली डाइकोटिलेडन में पाया जाता है, क्या पता है होमोलोगस पूरा फैला होता है या तो पैचेज के रूप में फैला होता है, और किनारे पे ये मोटा होता है, क्यों, क्योंकि सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन का इस पर डिपोजिशन होता है, जबकि हम देखे थे पेरेन्काइमा कैसी थी, रिलेट कीजिए, आइसो डायमेट्रिक थी, और उसके जो ऊपर था क्या था, उसकी कहानी में क्या था, इसमें सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन है, और इसमें क्या था, सेल्स में क्या पाया जा रहा था बॉर्डर पे, भाई भूल गए क्या, अभी पढ़ के आ रहे हैं, सेलुलोज था ना, ये बॉर्डर पे किसकी बनी थी, सेलुलोज की बनी थी। ठीक, और यहाँ कहाँ पाई गई, फिगर में देखेंगे अभी, हेमीसेलुलोज सेलुलोज और पेक्टिन की बनी रहती है, जिसके कारण इसका कॉर्नर मोटा होता है, इस बात को याद रखेंगे। शेप कैसा हो सकता है, इसका भी शेप कैसा, ओवल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, या पोनल वोनल हो सकता है, और कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो क्या करेगा, एसिमुलेट करेगा फूड, अगर दिस सेल एसिमुलेट फूड, अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया गया, किसमें, कोलेनकाइमा में, ये चीज याद रखनी है हमें। ठीक, उसके बाद इनमें इंट्रा सेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है, जबकि इंटर सेलुलर दो सेलों के बीच, इंट्रा मैंने बाहर हो जाता है, जब इंटर सेलुलर की बात कर रहे हैं तो इंटर सेलुलर इसमें तो अब्सेंट है, लेकिन हम पेरेन्काइमा में पढ़ के आ रहे हैं अब्सेंट भी हो सकता है और हो भी सकता है।
ये क्या करती है, जैसे पेरेंकाइमा फोटोसिंथेसिस कर रही थी, सेक्रेशन का काम कर रही थी, स्टोरेज का काम कर रही थी, उसी तरह ये नए स्टेम को, लीफ के पेटियोल को मैकेनिकल सपोर्ट मतलब मजबूती देने का काम करती है। क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है ग्रोइंग प्लांट। जब प्लांट नया होता है उस समय उसके स्टेम और किसके स्टेम और उसके पेटियल्स ऑफ लीफ मतलब लीफ जिससे लगा होता है, ठीक है, यही तो है पेटियोल, सब लीफ पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, तो इसको मजबूती प्रदान करती है। अब आइए फिगर में इस चीज को समझ लें, फिगर में चीजें आसान हो जाएगी और फिगर भी याद रहेगा, फिगर भी एनसीईआरटी में कब कहां से सवाल पूछेगा कोई नहीं जानता है, पता चलेगा फिगर में ये दे दिया कौन सा टिश्यू है सिंपल में, तो हमें पता है ये थिकनेस, यही तो पोलेनकाइमा की असली पहचान है, कॉर्नर क्या है, थिक है, और क्यों थिक है, क्योंकि कॉर्नर पे सेलुलोज है जमा, और क्या है, हेमी सेलुलोज है, जो हमें लाइन याद रखनी है, और क्या है, हेमी सेलुलोज है और पेक्टिन है, ठीक है, ये तीनों जमा होते हैं इसलिए इसका कॉर्नर थिक होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या पाई गई, कोलेनकाइमा में एक चीज और याद रखनी है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, सेल वॉल मोटी है, इंटरसेलुलर स्पेस किसमें है, कोलेनकाइमा में क्या है, अब्सेंट है, मतलब इंटरसेलुलर क्या है, स्पेस अब्सेंट है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, काम तो इसका मैकेनिकल सपोर्ट का ही है, ठीक है, सेल्स के अंदर क्या पाई गई, सेल वॉल के अंदर बड़ा सा वैक्यूल पाया गया, ठीक है। तो मेनली कॉर्नर याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट कोलेनकाइमा में पाया गया, इंटरसेलुलर स्ट्रेंथ है और सब मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ये हो गई सिंपल टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू के सिंपल टिश्यू टाइप में कोलेनकाइपा टाइप की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं तीसरे की, जो है स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा है ये कैसी होती है, लंबी होती है और नैरो सेल विद थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, जो नंबर ऑफ पीट्स का या फ्यू पीट्स का मिलके बनी होती है। फिगर में इस बात को समझेंगे, कैसी होती है, नैरो सेल होती है जो लंबी होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल होता है इसका, और किसके नंबर ऑफ पीट्स या नंबर ऑफ सेल्स की मिलके बनी होती है। तो समझे, इसका मतलब यह है कि जो ये लिग्निफाइड सेल वॉल है, इसका मतलब ये इसकी सेल वॉल किसकी मिलके बनी होती है, इसकी सेल वॉल मिलके बनी होती है लिग्निन की। अभी तक किसकी किसकी पढ़ के आए, हमने सेलुलोज का पढ़ा, सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन का पढ़ा, और स्क्लेरेनकाइमा का सेल वॉल किसका बना होता है, लिग्निन का होता है, उडी लाइक होता है, ठीक है, और नैरो सेल्स की बनी होती है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पीट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करेंगे, दे आर यूजली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे कि जो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू का, वो कैसा होता है, डेड होता है, उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। इस बात को अंडरलाइन करके स्टार बनाएंगे कि डेड टिश्यू, डेड परमानेंट टिश्यू कौन होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है, और इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता होता है, ठीक है, वेरिएशन अलग अलग होता है। देखिए इस लाइन को, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इसके डेवलपमेंट में, इसके स्ट्रक्चर में, इसके वेरिएशन फॉर्म में, इसको दो भागों में बांटा गया है, फाइबर और स्क्लेराइड। कौन सा टर्म आ रहा है, फाइबर और स्क्लेराइड। तो ये फाइब्रस क्या होता है, फाइब्रस वो है जो थिक वॉल मोटी वॉल की होगी, इलोंगेटेड होगी, लंबी होगी और पॉइंटेड सेल होगी, मतलब इसके टिप पे पॉइंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और ये ज्यादातर प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट पार्ट में ये फाइबर ही, फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमा ही पाया जाएगा। उसी तरह स्क्लेरॉइड की बात करेंगे तो ये स्फेरिकल कैसी होगी, स्फेरिकल ओवल एंड सिलेट्रिकल होगी, हाई थिकेंड होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये डेड सेल, डेड सेल की मिल्की बनी होगी, किसकी, डेड सेल की मिल्की बनी होगी, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये स्क्लेराइड जो स्क्लेरेनकाइमा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसकी कैसी होगी, डेड सेल की मिल्की बनी होती है स्क्लेरेट स्क्लेरेनकाइमा,
नैरो कैविटी होती है उसके पास, जो कैविटी होगी वो पतली होगी, अभी फिगर में देखेंगे। और कहाँ कहाँ पाई जाती है ये हमें याद रखना है, ये पाई जाती है फ्रूट वॉल ऑफ नट, नट्स जो होते हैं, नट्स बादाम बादाम उनके जो है क्या है फल, जो फ्रूट नट्स टाइप होते हैं उनके फ्रूट वॉल में पाई जाती है स्केलेनकाइमा, क्योंकि ये लिग्निन की बनी है, हार्ड सब्सटेंस की बनी है, हार्ड होती है, डेड होती है, इसलिए उनकी खाल बड़ी मजबूत होती है। जो गुआभा का पल्प है, जो बिया कुटुर कुटुर खाते हैं हम लोग, पल और सेपेटो के हैं, सीड्स ऑफ पोर्ट ऑफ लेगुमेंस हैं के और लीव ऑफ टी, ये सारे जगहों पर क्या पाया जाता है, इन जगहों पे हार्डनेस पाई जाती है। वो हार्डनेस क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनके पास डेड स्क्लेराइट क्या स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है, और स्क्लेरेनकाइमा भी क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट ही देता है, क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट ही देता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो ये स्क्लेराइट्स पढ़ के आ रहे थे हम लोग, स्क्लेरेनकाइमा वो कहाँ कहाँ पाई गई, ये इम्पॉर्टेंट है। ये डेड होती है, कैसी होती है, डेड होती है, और कैसी होती है, नैरो कैविटी की होती है, मैंने उसका ल्यूमेन उसके बेस की कैविटी कैसी होती है, नैरो होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो चीजें तो एकदम याद ही रखेंगे स्टार बना के, कहाँ कहाँ पाई गई, जहां जहां फ्रूट में हार्डनेस आई, फ्रूट वॉल ऑफ नट हुआ, पल्प ऑफ गुआवा पियर एंड सेपेटो हुआ, सीड कोट हो गया लेग्यूम में, और लीव्स ऑफ टी हुआ, इनमें कैसा पाया गया है, स्क्लेराइड स्क्लेरेनकाइमा, इस बात को याद रखेंगे। अब आइए फिगर में देख लेते हैं, फिगर में देखना जरूरी है, चीजें ज्यादा क्लियर हो जा रही हैं, ठीक है, और लंबे समय तक याद भी रहेंगे। देखिए पहला दे रहा है फाइबर का, फाइबर स्क्लेरेनकाइमा जो हो रही है उसकी ल्यूमेन है, ल्यूमेन है उसमें पाई जा रही है, थिक सेल वॉल है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा हम जानते हैं सेल वॉल किसकी बनी है, लिग्निन की बनी है, लिग्निफाइड वॉल कहते हैं इसको, लिग्निन की बनी होती है, हार्ड और उडी होती है, ठीक है। ये पढ़ लिए हैं, फाइबर पाए गए इलोंगेटेड है, और मोस्टली प्लांट बॉडी में यही पाया जाता है, ठीक, अगर जहां जहां स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। लेकिन जो ये स्क्लेराइड स्क्लेरेनकाइमा है ये सबसे पहले याद रखना है होती कैसी है, डेड होती है, और इसकी कैविटी कैसी होती है, देखिए ल्यूमेन है, और ल्यूमेन कैसी है, नैरो है, कैसी है, नैरो ल्यूमेन है, मतलब कैविटी कैसी है, नैरो है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, ये चीज याद रखेंगे, कैसी होती है, डेड होती है, नैरो कैविटी है, ठीक, वो सेल वाले क्योंकि ये भी लिग्निफाइड है, ठीक, और पीट्स पड़े होते हैं इसके उस पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, पहला तो डेड होती है, और दूसरा इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है क्या, फ्रूट वॉल ऑफ नट इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, ठीक, और जो गुआवा वुआवा के बीज हैं उनमें, ठीक है, सीड्स ऑफ लेग्यूम, ठीक है, और ये जो पल्प हैं उनके किसके, गुआवा वुआवा के, और भी दो एक दो एग्जाम्पल दिया है वो, इन सब जगहों पे ये पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, डेड होती है, ठीक, और स्क्लेरेनकाइमा भी कैसी होती है, अगर पूछ दिया तो वो भी डेड होती है, ठीक है। इन सब चीजों को याद रखेंगे तो हमारा ये खत्म हो गया सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू का एक टाइप, ठीक। अब परमानेंट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स टाइप है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, ये तो टिश्यू है इसके बाद टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चीजों को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।